अयोध्या में मौजूद माता सीता की रसोई का क्या है सच? क्या सच में अयोध्या में मौजूद है माता सीता की रसोई और माता सीता क्या खाना बनाती थी? अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर चर्चा का विषय रहता है, ठीक उसी तरह माता सीता की रसोई भी खूब चर्चा में रहती है। रामायण काल में निर्मित अयोध्या में ऐसे कई प्राचीन और मिथक से भरपूर जगह, इमारत या घर मौजूद है जिन्हें लेकर आज भी कई धारणाएं जुड़े हुए हैं। इन्हीं धारणाओं जगह में से एक है माता सीता की रसोई। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। यहाँ आपको हिंदू धर्म, कर्म और आस्था का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राम मंदिर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित माता सीता की रसोई को लेकर आज भी लोगों में कई तरह के धारणाएं पाए जाते हैं। इस रसोई को लेकर हर किसी का एक अलग ही विचार रहता है। राम मंदिर के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा माता सीता की रसोई का जिक्र किया गया था। ऐसे कई मिथक इस रसोई से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, क्या सच में माता सीता इस रसोई में खाना बनती थी? माता सीता की रसोई को लेकर मान्यताओं की कमी नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि एक से दो बार सीता जी ने इस रसोई में खाना बनाया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब माता सीता अपने ससुराल आई थी, तो सगुन के तौर पर इस रसोई में परिवार के लिए खाना बनाया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह माता सीता की रसोई थी, लेकिन माता सीता ने कभी भी इस रसोई में भोजन नहीं पकाया था, बल्कि उन्होंने दूसरों से रसोई में मौजूद रहकर भोजन बनवाया था। रसोई में मौजूद है मूर्ति। रसोई के मिथक को लेकर आज भी कई कहानी बताई जाती हैं। कहा जाता है कि सही मायने में यह कोई रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर है। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति की मूर्ति लगी हुई है। एक अन्य कथन में यह कहा जाता है कि माता सीता ने इस रसोई में 5 ऋषियों को भोजन करवाया था, जिसके बाद सीता जी को अन्नपूर्णा माता कहा जाने लगा। आज भी कई दीवारों पर सीता की रसोई लिखा हुआ है, जहां लोग घूमने के लिए जाते रहते हैं। पकवान और सीता कुंड के बारे में। रसोई को लेकर यह धारणा है कि आज भी इस रसोई में रोलिंग प्लेट या चकला और बेलन रखे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि इस माता सीता की रसोई में 3 तरह की खीर, मटर, घुघुरी, कढ़ी, मालपुआ आदि परोसी जाती थी। इस रसोई के बगल में एक जानकी कुंड भी मौजूद है, जिसे लेकर कहा जाता है कि माता सीता इसी कुंड में स्नान करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जगह अयोध्या नगरी में मौजूद सबसे शांत जगह पर स्थित है। यकीनन यह बोला जा सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद माता सीता की रसोई को लेकर आपके मन में जो भी विचार थे वो दूर हो गए होंगे। अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं, तो आपको यहाँ एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।